जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का मेरे फेसबुक के पेज पर, इंस्टाग्राम के पेज पर और इस वीडियो को आप जहां भी देख रहे हैं वहां पे स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं एक शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज चला रहा हूं, उसमें मैं बहुत सारी कुछ कहानियां सुनाता हूं जो कि शॉर्ट होती हैं और हमें कुछ मोरल सपोर्ट और मोटिवेशन देती है। तो आज की स्टोरी में हम बात करेंगे सामर्थ्यवान की और आशावान की। तो बात यह है कि एक देश है, उस देश में दो राज्य होते हैं। वे दोनों राज्य जो होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे का वैचारिक मतभेद होता है और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो एक राज्य जो होता है वह अपने आप में बहुत ही सामर्थ्यवान होता है, उसकी सैनिक प्रशिक्षण संस्थाएं बहुत अच्छी होती है, अपने आप में वो धनवान होता है। और दूसरा राज्य जो होता है उसकी सैनिक प्रशिक्षण संस्थाएं कमज़ोर होती है और उनके पास संपत्ति भी नहीं होता इतना कि वो इतना उसके साथ कम्पीट कर पाए। तो होता यह कि जो मजबूत राज्य होता है उसके सैनिकों के कंपेरिजन अगर हम कमज़ोर राज्य के सैनिकों से करें तो जहां मजबूत राज्य के पास 10 सैनिक है तो वहीं इसके पास एक सैनिक है, मतलब दोनों का अनुपात 10:1 का हो जाता है अगर सैनिकों का देखें तो। फिर क्या होता है कि जो कमज़ोर वाला राज्य होता है उसका जो सैन्य अधिकारी होता है, उच्च सैन्य अधिकारी सेनापति, वो है ना युद्ध करने से मना कर देता है कि हम युद्ध क्यों करें, हम हार जाएंगे और वैसे भी हम हारते आ रहे हैं। और हारने के बाद क्या होगा कि हमारे साथ साथ जो हमारे सैनिक हैं इनकी भी मृत्यु हो जाएगी, तो ये हमारे लिए बहुत दुखदायी होगा। तो वो जो सेनापति होता है वो युद्ध करने से मना कर देता है। तो जो राजा होता है वह ये नहीं चाहता है कि हम बिना लड़े हार जाएं, लेकिन जो सेनापति होता है, जो उच्च अधिकारी होता है, वही मना कर देता है। तो फिर क्या हो, तो जो राजा होता है वह एक फकीर के पास जाता है और फकीर से बोलता है कि हे फकीर, आप हमारे जो सेना है उसका नेतृत्व करिए, क्योंकि उसके सेना में कोई भी उस सेना का नेतृत्व नहीं करना चाहता है। तो फकीर के पास जाता है और फकीर राजी हो जाता है। और जब फकीर राजी हो जाता है तो बोलता है कि वैसे भी जो हमारी सेना है वो तो हारने वाली है और हारने के लिए वो रेडी है। तो वो क्या करता है, वो रेडी हो जाता है और अपनी सेना को ले के युद्ध में चला जाता है। और जब वो युद्ध में लेके जाता है तो बीच में एक मंदिर आता है, उस मंदिर में वो जाता है, अपनी सेना को वहीं रोकता है और बोलता है कि मैं यहाँ से भगवान से पूछ के आता हूँ कि क्या हमारी जीत होगी या हार होगी और कुछ प्रार्थना करके आता हूँ। तो वो जाता है और अंदर से प्रार्थना करके वापस आ जाता है और सेना से बोलता है कि मेरे जो सामान है, इस सामान में एक सिक्का रखा हुआ है, इसको मैं उछालता हूँ, अगर सिक्का सीधा गिरता है तो भगवान की इच्छा ये है कि हम युद्ध में जीत जाएंगे, हमें कोई नहीं हराएगा और हमें जाना चाहिए। यदि सिक्का उल्टा गिरता है तो हमें युद्ध में नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम बेवजह के मारे जाएंगे। वो जो फकीर होता है, जो सेनाध्यक्ष होता है, वो सिक्का उछालता है। सिक्का उछालने के बाद सिक्का गिरता है और सिक्का सीधा गिरता है। तो जो वहाँ पे सेना के जो भी सेना होते हैं उस सेना में जोश आ जाता है और वो जोश जगा देता है कि भगवान की इच्छा यही है कि हम युद्ध करने जाएं और युद्ध में हमारी विजय होगी क्योंकि यहाँ पर भगवान की इच्छा है। और ये इस जोश के साथ वो जो उनके सेना होती है, पूरी की पूरी सेना जाती है और 7 दिनों के अंदर वो जो विपक्षी होते हैं जिनका सेना बहुत ज़्यादा मजबूत होता है उसको वो 7 दिनों के अंदर हरा देते हैं और हरा करके वापस अपने घर की तरफ आ जाती है वो सेना। और जब आती है तो बीच में वापस मंदिर आता है और जो सेना होती है, सेना के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमें भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। तो धन्यवाद ज्ञापित करने जाते हैं और जब धन्यवाद ज्ञापित करने जाते हैं तब जो सेनापति होता है, मतलब जो फकीर होता है, वो फकीर कुछ बातें बोलता है। फकीर बोलता है कि यहाँ पर जो सिक्का है, फिर से सिक्के को देखो, सिक्का निकाल के वो देता है। तो सिक्का जब निकाल के दिया जाता है तो सिक्का में दोनों साइड एक ही संकेत होता है, मतलब एक ही चिन्ह होता है, चाहे वो उल्टा गिरे या सीधा गिरे, दोनों तरफ से एक ही साइन बनने वाले थे। तो यहाँ से वो बोलता है कि यहाँ पर आप लोगों का हार तो था ही नहीं, इसमें जो भी था आप लोगों का इसमें जीत ही था। तो यहाँ से एक मोरल मैसेज निकलता है। तो मोरल मैसेज क्या निकलता है यहाँ पर कि जीवन में सारे काम जो होते हैं ना, जो सफलताएं होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसके लिए, उसके जीत के लिए कितना आशावित हैं और उसके हार के लिए कितने आशावित हैं। ना तो सामर्थ्य असली संपत्ति है और ना ही आशावान होना असली संपत्ति है। दोनों का जो संयोजन होता है वही असली संपत्ति है। यदि आप सामर्थ्यवान हैं और आप आशावान नहीं हैं कि मैं सफलता प्राप्त करूंगा तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप आशावान हैं लेकिन सामर्थ्यवान नहीं हैं तो भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जो मोरल मैसेज निकलता है एक, यहाँ पर उस फकीर ने जो असमर्थवान लोग थे उनमें एक आशा की किरण जगा दी और उस आशा की किरण ने उन्हें सामर्थ्यवान बना दिया। और जो पहला जो उनका अधिकारी था, सेना अधिकारी, वो सामर्थ्यवान था लेकिन उसमें आशा नहीं थी,
तो उसके सामर्थ्यवान होने के बाद भी उसके आशावान ना होने के कारण ही उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो मेरा कहने का तात्पर्य इस मोरल स्टोरी से ये है कि आपके पास कितने भी सामर्थ्यता क्यों ना हो, आप आशावान बने रहिए, और आपके पास आशावान हैं तो सामर्थ्यता भी बहुत जरूरी है। मेरे बैकग्राउंड में लाइट नहीं है क्योंकि भोपाल में लाइट जा चुकी है, तो मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों के साथ कुछ चर्चाएं करते हैं, कुछ विषयों पर बात करते हैं। तो ये एक वीडियो है जो कि मैंने आप लोगों को मैसेज देने की कोशिश करी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और भी कुछ प्रकार की और भी कुछ जानकारी मुझे रहेगी मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।